टीपू मियां, खाना खा लीजिए। नहीं, खाना बचे। अरे थोड़ा सा खा लीजिए ना। कहा ना नहीं खाना मुझे। एक बार बात समझ में नहीं आती, जाहिल औरत। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? बड़े वाओ, सारे जमाने के बूढ़े यतीम बेवाएं हमारे सरों पे ला ला कर धरती रहीं और अब उनकी इज्जत भी हमारे जिम्मे फर्ज कर दी। वाओ मॉम, यू आर सेंट, यू मस्ट नो दिस। होश में रहकर बात करो, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने घर पे। बदतमीजी मैं करूं तो बदतमीजी, और जो आप सब ने किया, मुझे सबके सामने जलील कर दिया आपने। खुद तो अच्छी बन गई, मुझे बुरा बनाकर। तो मैंने कब कहा है कि मैं अच्छी हूं? मैं अच्छी होती तो वो करती जो मैंने अपनी बेटी के साथ किया। आई मस्ट एडमिट, पहली बार तो आपने कोई ढंग का काम किया था, लेकिन खैर खुद ही उस पर पानी फेर दिया आपने। मैंने जो अब किया है ना, वो सही किया है टीपू। हाँ, पहले मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तलाक के डर और गुस्से की, और तुम्हें भी तो हवेली बांधने की पड़ी थी मुझे। तुम अंधी गाय की तरह धकेले चले जा रहे थे। ना मुझे माफ करते, इतनी सी बच्ची। अरे ठीक थी, मैं तो सोचकर भी शर्म से गढ़े चले जा रही हूँ कि मैंने क्या किया। अगर टीपू मियां की नीयत ठीक होती ना, तो इतनी जल्दी ना करते। जल्दी का काम है ही शैतान का। अब एक और लफ्ज भी बदतमीजी का बर्दाश्त नहीं। अच्छा, तुमने खाना खाना है तो खाओ, वरना बोरिया बिस्तर बांधो और तबाह हो जाओ लंदन। Listen, मैं उस सस्सी को नहीं छोड़ूंगा। सब उसी का किया था, सब आग उसी ने लगाई है। मैं तो उसको बड़ा मासूम समझता हूँ, उस बच्चन बेहया को। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।